असल खैज मैं हूं आपका होस्ट सखी सुल्तान और आप देख रहे हैं एस क्रिकेट शो जी जिया दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के चौथे टी ट्वेंटी मैच के जी जिया दोस्तों चैनल पर नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके साथ शेयर कर सकूँ चौथे टी मैच में न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीत कर, बॉलिंग करने का फैसला किया پاکستانی اوپننگ بیٹسمین سائم ایوب ایک مرتبہ پھر فیل ہو گئے ایک رن بنایا بابر اعظم نے 19 رن بنائے فخر زمان 9 رن بنا کے آؤٹ ہو گئے لیکن محمد رضوان رن بناتے گئے وانسی صاحبزادہ فرام بھی ایک رن بنا کے آؤٹ ہو گئے افتخار احمد نے 10 رن بنائے 14 بالو پہ جو کہ ہمارا فنشر ہے محمد نواز نے اخر میں آ کے ایدم ملنے کو تین چھکے بھی ایک ساتھ مارے انہوں نے 21 رن بنائے 9 بالو پہ محمد رضوان نے 90 رن بنائے 142 के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान टीम अपने 20 ओवर में 158 हंड्रेड रन बनाए पांच विकेटों के नुकसान पे जबकि मैनेजमेंट की बहुत से गलतियां हुए साहबजाद अफरान जो के ओपनर है उसको पांचवे नंबर पे खिलाया गया वो फेल हो गया एक रन बनाया इफ्तिखार अहमद भी रन नहीं बना रहे फखर जमान ने भी रन नहीं बनाए साई मयूब भी रन नहीं बना रहे पिछले तीन मैचों से जी हा दोस्तों पाकिस्तान टीम जब बॉलिंग करने आए तो कैप्टन शाहिशाह अफरे ने शानदार बॉलिंग किया अपने पहले ओवर में दो विकेट से उठाई फिन एलेंग को आठ रन पे आउट कर दिया टीम साइफर्ड को जीरो रन पे फिर शाह शाहिशाहफरीदी जब तीसरा ओवर करने आए फिर एक विकेट उठाया विल को रन पे आउट कर दिया उस टाइम पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के बाईस रन पे तीन विकेट उठाए जो कि शाहिन शाहिंशाफरे ने उठाई हाँ दोस्तों उसके बाद शाहिन आफ्रेदी बहुत खराब कैप्टनसी करते हैं लगातार जमान खान और आर एस से ही ओवर डालते हैं, पावर प्ले में वसीम जूनियर को ओवर ही नहीं देते हैं उसके बाद डेनियल मिचल्स और क्लैम फ्लिप सीरिंग्स को खुद ही खत्म करते हैं इतना बड़ा पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं 147 हंड्रेड रन का पार्टनरशिप दोनों बिल्ड करते हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स को लगातार कूटते रहते हैं ग्लैम फिलिप्स सत्तर रन बनाते हैं डैनियल मिचल सेवेंटी टू रन बनाते हैं और कैप्टन शह शाहफरेदी साहब ने लाहौर कलंदर का टीम समझा हुआ है लगातार आर एस राउफ और जमान खान से ही बॉलिंग करवाना है टीम मैनेजमेंट के भी बहुत बड़े गलतियाँ होते हैं साहेबजादा फरहान जो कि एक ओपनर है उसको पांचवें नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा जाता है इफ्तार अहमद फ़खर जमान और साह मयूब भी फेल हो रहे हैं फ़खर जमान ने एक मैच में एक ही फिफ्टी बनाया है लेकिन साइम मयूब इफ्तार अहमद तो लगातार फेल हो रहे हैं और कैप्टन शाहिनशाहफ्रेदी की भी बहुत से खराबी है कैप्टन में इस वजह से पाकिस्तान ने चौथा टी ट्वेंटी मैच भी हार गया न्यूजीलैंड से और ये सीरीज में चार जीत मौजूद है पाकिस्तान के जीरो है तो पाँचवें टी ट्वेंटी मैच में देखना होगा कि न्यूजीलैंड ये पांच टी ट्वेंटी मैच की सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करता है या पाकिस्तान आखिरी टी ट्वेंटी मैच अपना नाम कर पाएगा और थोड़ी सी इज्जत रख लेगा तो ये थे जी हमारा आज का वीडियो वीडियो पसंद है वीडियो को लाजमी लाइक करें चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन दबाए तक क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके साथ शेयर कर सकूँ थैंक यू जी